कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, अक्सर ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस और नीट के अंदर आ जाता है। डायग्राम देखिए, यहाँ पर सीरीज में दो बल्ब लगे हुए हैं, 10 वॉट का 20 वॉट का, सप्लाई वोल्टेज है 220। हमें ये बताना है कि कौन ज्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा। बच्चों चमक जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इस पे पावर कितनी है, और ये देखिए दोनों बल्ब सीरीज में है तो इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो इस पावर के फॉर्मुले से निकलेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पी के तो तीन फॉर्मुले VI, I² R, V² R, कैसे पता चलता है? तो सीरीज में है, करंट दोनों में सेम है, इसलिए पी चमक, पी ब्राइटनेस इज इक्वल टू I² R। अब मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस चाहिए, 10 वॉट दिया हुआ है और 220 वोल्टेज का इसका रेटिंग वोल्टेज होता है। यहां पर भी मतलब किसी भी बल्ब का ना आपको V और P दिया रहता है, तो वहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जरा सोचिए ब्राइटनेस उसी बल्ब की ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, आई तो कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा जिसका पावर कम होगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 वॉट की इंटेंसिटी, 10 वॉट का ग्लो चमक ज्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस। अब इसे अच्छे से याद रखो कि सीरीज में जिसका वॉट कम होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। मजा आया है तो शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स ट्रिक्स के लिए हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। चाहिए।